खुलम भाई नमस्ते। मैं म्यूजिंग आप सभी लोगों को मेरी YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। ये है अंबार, इसको हमारे बोडो लैंग्वेज में थाईसुरी कहकर बुलाते हैं। इसको मैं अब अचार बनाने के लिए तोड़ रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार इसका अचार बनाया हुआ है। आधा खाया जाता है और बाकी फेंक दिया जाता है फंगस लगने की वजह से। उसको सब्जी बनाकर भी खाया जाता है। आज मेरे घर में आने वाला है मेहमान। मैं उन लोगों का कब से राह देख रही हूँ, वो लोग पहुँचा ही नहीं अभी भी। उन लोगों का राह देखते देखते आगे से तो कोई और ही लोग आ गया। मैंने इसको कहीं पे देखा था, शायद बाजार में। ये भगवान उसे कुटी जंग से फैदांग। वो देखिए मेरा मेहमान पहुँच गया। वैसे तो मेहमान भगवान होता है, लेकिन ये लोग नहीं है भगवान, शैतान है वो लोग। उन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लोग खाली हाथ नहीं आया, कुछ लाया है वो लोग मेरे लिए। ये मेरी बिना नाक की शैतान बहन खसपुस ले आया मेरे लिए। अपनी दामाद के लिए मेरी माँ ने कुछ जड़ी बूटी भी भेजा है, चलो निकाल के दिखाती हूँ। ये है कद्दू का पत्ता, उसको मेरी पति और मेरी सासू माँ बहुत पसंद करती है, लेकिन मुझे ये सब खसपुस खाने में मज़ा नहीं आता। ये है वो जड़ी बूटी जिसको अपनी दामाद के लिए भेजा है मेरी माँ ने, उसको मैं बाद में बना के दिखाऊंगी इस चिकन रॉकस्टार के साथ। आगरा का दो छोटा छोटा बच्चा और मीठा करेला भी भेजा है। उन लोगों को अब मैं देने वाली हूँ चाय। बहुत गर्मी के कारण वो लोग बाहर ही बैठ गई। ये है शैतान नंबर एक और ये है शैतान नंबर दो। वो लोग बाहर बैठ के चाय पी रही है और लेक्चर भी मार रही है। तब तक मैं बना लेती हूँ उन लोगों के लिए खाना। ये है काले दाल, उनको मैं रात में ही भिगा कर रखा था, अब मैं कुकर में उसको बॉईल करने वाली हूँ। ये है उमा भी दोर, मतलब स्वर्ग की मीट, उसको मैंने फ्राई कर रही हूँ अब। इस मछली को मैं फ्राई करके सुअर की मीट में काले दाल में देने वाली हूँ। मेरी दाल तो आज गला ही नहीं, और मुझे ये वाला दाल ज़्यादा बनाना नहीं आता, फिर भी मैंने सीखने के लिए बनाया है। इस स्वर को बनाने का टेक्निक बहुत अलग अलग होता है, जिसको जैसा मन है ऐसा बना लिया करते हैं, क्योंकि टेस्ट में वो सबसे नंबर वन है। जैसे तैसे भी बनाऊँ ना, ये टेस्टी ही बनता है। जब मैं शहर में थी तब मेरी कई सारे दोस्त मुझे स्वर खाने वाला कोसारी ऐसा बोला करते थे, लेकिन वो लोग खुद रेस्टोरेंट में जाकर पोर्क ऑर्डर करके खाते थे। स्वर नहीं है दाई, पोर्क बोला करते थे वो लोग। पोर्क मोमो खाते थे वो लोग। मुझे बहुत गुस्सा रहा है, अब सोच सोच के ही अब गुस्सा रहा है मुझे। रुको मैं उन लोगों को कॉल करके गाली देती हूँ, एक एक को चुन चुन के गाली दूंगी आज। मेरी गाली देने का कार्यक्रम भी अब खत्म हो चुका है। वो लोग आना चाहता है मेरे घर। वो लोग कह रहा है कि सुअर खाने के लिए आएंगे, पोर्क नहीं खाएंगे इस बार, सुअर खाएंगे ऐसा बोला। ये अब रेडी हो चुका है, उन लोगों को खाना परोस के देती हूँ अब। खाना खाने के बाद वो लोग हमारे घर के पीछे गए हैं कुछ फल तोड़ने के लिए। और ये है वो फल का पेड़, और उस फल का पेड़ में बहुत सारे कांटे लगते हैं, सो क्यूट ना। इस फल का नाम है गुमशुदा, और ये रहा वो फल।
शादी से पहले मेरे पीछे लड़के पर आ करते थे, लेकिन अब शादी के बाद सुअर और मुर्गियाँ ही मेरे पीछे पड़ने लगी। सच्ची में शादी के बाद जिंदगी ही बहुत बदल जाती है। शाम भी होने वाला है तो वो लोग भी घर वापस लौट रहे हैं। हम भी उन लोगों को थोड़ा आगे तक छोड़ के आने के लिए जा रहे हैं। ये है मेरे गांव की मौसम, अरे मौसम लाइन है बाबा, नज़ारा ऐसा दिखने लगा है आजकल। और आगे ये तीन नमूना, अब तो धान की रोपाई की प्रक्रिया भी ख़त्म हो चुका है इधर। तो कैसा लगा आप लोगों को आज की मेरी ये सिंपल व्लॉग? आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गजन थंग, भारत माता की जय।